हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस चैनल। हर कोई आज सक्सेसफुल रिच हैप्पी बनना चाहता है, पर क्या हर एक इंसान ये सब अचीव कर पाता है? नहीं, राइट? इसके रीजंस में आप बोलोगे हार्ड वर्क, फोकस, टैलेंट, मनी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो बहुत ही सिंपल है, पर कोई इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और वो है हर दिन एक मेंढक खाना। जस्ट किडिंग, यहाँ पे मेंढक को रिलेट किया गया है टाइम से। जैसे मेंढक पलक झपकने से पहले ही जम करके निकल जाता है, वैसे ही टाइम का भी है। अगर आप देखते ही रह जाओगे तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। अगर एक दिन में आपको एक मेंढक खाना है तो आप वो कब खाना पसंद करोगे? सब उसे लास्ट में खाना पसंद करेंगे, राइट? बट यही हमारे ऑथर बोलते हैं कि उसे सबसे पहले खा के ख़त्म कर दो, ताकि आप दिन भर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी फील करो। और इसी का मतलब है कि आपको सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना है और उसे ख़त्म कर देना है। और यही है ईट दैट फ्रॉग। इस बुक के ऑथर एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं। सो सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं और बाकी के वे लोग क्या नहीं करते, इसका स्टडी करना चालू कर देते हैं। इस जर्नी में उन्हें ऐसे प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स मिले जिनको फॉलो करना बहुत ही आसान है। इन टेक्निक्स के जरिए हर एक इंसान सक्सेसफुल एंड रिच एंड हैप्पी बन सकता है। सो इस वीडियो में मैं एक ऐसी बुक की समरी बताने वाला हूँ जो आज तक की पूरे वर्ल्ड में टाइम मैनेजमेंट पे सबसे बेस्ट किताबों में से एक है, जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। मॉडर्न ज़माने की एक ऐसी बुक जो आपको प्रैक्टिकली सक्सेसफुल, रिच एंड हैप्पी कैसे बनाया जा सकता है ये बताएगी। इस बुक में कुछ 21 प्रूवन एंड टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं जिनका लाखों लोगों ने फ़ायदा लिया है, और इसी बुक्स में से कुछ टेक्निक्स आज हम लर्न करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन। सबसे फर्स्ट जो टेक्निक है वो ये कि सेट द टेबल। यहाँ ऑथर हमें क्लैरिटी की इम्पोर्टेंस बताते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि किसी भी फील्ड में जीतने के लिए एक क्वालिटी उनके पास होनी चाहिए, और वो ये कि हमें क्या चाहिए ये पता होना चाहिए और उसे हासिल करने की बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। इस टेक्निक में ऑथर ने हमें 7 स्टेप्स दिए हैं। स्टेप 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या हासिल करना है। स्टेप 2, राइट इट डाउन। पेपर पे लिख लो कि आपको क्या चाहिए। इससे आप हमेशा दूर रहोगे कन्फ्यूजन, मिसडायरेक्शन एंड मिस्टेक्स से। स्टेप 3, गोल की डेडलाइंस डिसाइड करो। अगर डेडलाइन नहीं होगी तो आपको हमेशा काम कल करने की आदत लग जाएगी। स्टेप 4, लिस्ट बनाओ जो जो आपको आपका गोल अचीव करने के लिए लगेगा। स्टेप 5, प्रायोरिटी वाइज एक्शन प्लान बनाओ। जो जो काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी चेकलिस्ट बनाओ। स्टेप 6, टेक एक्शन इमीडिएटली। जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। स्टेप 7, हर दिन वो काम करने की आदत डाल लो जो आपको आपके गोल के करीब ले जाए। ऑथर ने जो दूसरी टेक्निक हमें बताई है वो है प्लान एवरी डे इन एडवांस। एलन लेकन कहते हैं कि प्लानिंग का मतलब ही है कि हम फ्यूचर को आज में लाने का काम कर रहे हैं। इस टेक्निक में ऑथर बताते हैं कि दिन की शुरुआत अगर आप 10 मिनट दिन भर की प्लानिंग बनाने में लगा देते हो तो आप दिन भर का 2 घंटा वेस्ट होने से बचा सकते हो। यहाँ ऑथर हमें और एक प्रिंसिपल समझा के बताते हैं, वो ये कि प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। यानी अगर आपको एक बेस्ट परफॉर्मर बनना है तो आपको प्रॉपर प्लानिंग बनानी होगी। इससे आपकी 25% प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है। यही प्रिंसिपल हमें 10-90 का रूल भी बताता है, और वो ये कि अगर आप आपके टाइम का 10% हिस्सा प्लानिंग करने में लगा देते हो तो आप वही काम करने के लिए 90% टाइम सेव भी कर सकते हो। इस बुक की थर्ड टेक्निक है अप्लाई 80-20 रूल टू एवरीथिंग। 80-20 प्रिंसिपल हर जगह आपको मिलेगा, जैसे कि दुनिया के 20% लोग ही ज़्यादा अमीर हैं, 80% लोग ज़्यादा गरीब हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वही रूल आपको आपके कामों में भी लगाना है। आपको आपके कामों में से वो 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ढूंढ के निकालने हैं जो 80% रिजल्ट लाते हैं, और पहले उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। नॉर्मली हम वही चीज़ करते हैं जो इजी एंड छोटी हो, बट इसी टेम्पटेशन को अवॉइड करके आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामों में फोकस करना है। चौथी टेक्निक है कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में सोचो। डिसाइड करो सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है एंड उसी को अपने प्रायोरिटीज़ बनाओ। ओरिसन स्वेट मार्डन कहते हैं कि कोई भी ग्रेट पर्सन सक्सेसफुल तभी बन पाया है जब उसने अपनी सभी पावर्स को एक डायरेक्शन में चैनलाइज किया है। जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस का एग्जाम्पल ले लो। तब तक हम कागज़ को बर्न नहीं कर पाएंगे जब तक सारे सन रेज को कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, राइट? हमेशा एक काम को कंप्लीट करने की हैबिट लगा लो। अगर आप उसे डेडलाइन से पहले कंप्लीट करो तो और ज़्यादा बढ़िया। इस बुक की फिफ्थ टेक्निक है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। आप हर एक काम कंप्लीट नहीं कर सकते हो, पर
आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिन कामों का ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना हो उन्हें साइड में रखा जाए। हर दिन उन बड़े कामों को टाइम दो जो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट छोटा काम है उसे मॉर्निंग में ही ख़त्म कर दो, उसके बाद बड़े इम्पोर्टेंट काम चालू कर दो। एक बार वरन बफे को उनका सक्सेस का सीक्रेट पूछा तो उन्होंने बताया कि जो काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसे मैं सीधे सीधे ना बोल देता हूँ। ऑथर हमें 6 टेक्निक बताते हैं यूज ऑफ ABCD मेथड। ABCD मेथड बहुत ही सिंपल है, जो यूज़ करने के बाद आप एक मोस्ट इफिशियंट एंड इफेक्टिव लोगों में से एक बन पाओगे। इस मेथड में आपको हर दिन के कामों की चेकलिस्ट बनानी है, सबसे इम्पोर्टेंट काम ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी एंड सो। इस तरह ए काम जब तक ख़त्म नहीं हो जाता आपको बी काम स्टार्ट नहीं करना है, दैट्स इट। इस बुक की 7th टेक्निक है फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। यहाँ पे आपको वो रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे आपको सक्सेसफुल बनाने में, और उन्हीं पे पूरा ध्यान लगा देना है। आपके कामों के रिजल्ट्स चेक करो, उन्हें एक्सेलेंट वे में कैसे किया जा सकता है वो प्लान करो। आपने जो काम किया है उसे 1 से 10 तक ग्रेड दो और अपने काम की क्वालिटी इम्प्रूव करो। इस बुक की 8th टेक्निक है अप्लाई द लॉ ऑफ 3। इसमें आपको सिंपली सबसे इम्पोर्टेंट 3 कामों को आइडेंटिफाई करना है जो रिजल्ट्स का 90% हिस्सा ऑक्यूपाई करते हैं। इससे आप आपके फैमिली और पर्सनल लाइफ को भी ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। इसमें आप नीचे दिए गए क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि नंबर 1, कौन से वो 3 इम्पोर्टेंट गोल है जो मेरे बिजनेस या करियर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, कौन से वो 3 इम्पोर्टेंट गोल है जो मेरे लिए, मेरी फैमिली और रिलेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, कौन से वो 3 इम्पोर्टेंट गोल्स है जो मेरे हेल्थ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस बुक की 9th टेक्निक है प्रिपेयर थरली बिफोर यू बिगिन। काम शुरू करने से पहले ही वो सारी चीज़ें पास ला के रखो, कोई पेपर्स हो, इन्फॉर्मेशन हो, वर्क मटेरियल हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड देन काम को स्टार्ट करो। काम शुरू करने से पहले आपका डेस्क टेबल अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करो सो दैट आप ज़्यादा पॉजिटिव, प्रोडक्टिव एंड कॉन्फिडेंट फील कर सको। इस बुक की 10th टेक्निक है टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। सैमुअल स्माइल्स ने कहा है कि नॉर्मल लोग भी बड़े बड़े काम कंप्लीट कर सकते हैं अगर वो पूरे दिल से एक काम एट अ टाइम करेंगे तो। यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि आपको एट अ टाइम एक ही काम पे आपका पूरा फोकस लगा देना है, और ऐसा करते करते आप देखोगे कि आपने बड़े बड़े अचीवमेंट्स पा लिए हैं। इस बुक की 11th टेक्निक है कि अपग्रेड योर की स्किल्स। इसका मीनिंग है कि आपको आपके फील्ड का एक स्किल्ड, नॉलेजेबल एंड एक्सपर्ट खिलाड़ी बनना है। इसके लिए आप 3 स्टेप्स ले सकते हैं। 1, रीड करना। दिन की शुरुआत में ही 30 से 60 मिनट्स लगा लो आपके फील्ड के बुक्स को रीड करने के लिए। 2, उस फील्ड में के कोर्सेस, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स एंड बिजनेस मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करो। 3, लिसन। जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा आपके फील्ड से रिलेटेड नॉलेज को ऑडियो फॉर्म में सुनो, जैसे कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो बस से या कार से तो आप इन ऑडियो बुक्स को सुन सकते हो। सो इन सारी टेक्निक्स को यूज़ करके आप मोस्ट इफेक्टिव, सक्सेसफुल, हैप्पी एंड रिच लोगों में से एक बन सकते हो। आगे की टेक्निक्स में मेरे दूसरे पार्ट में कवर करूँगा। अगर आपको ये टेक्निक्स हेल्पफुल लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अगर ये बुक ईट दैट फ्रॉग आपको पढ़नी हो तो इसकी लिंक मैंने नीचे दी हुई है, आप वहाँ से इस बुक को बाय कर सकते हो और पूरे डिटेल में इसकी नॉलेज लेके आप आपके लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड फाइनली थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।